भारत के संविधान को बनाने में मेन आर्किटेक्ट के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जब संविधान सभा गठित हुई तो पहली बार संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल से चुनकर आए, लेकिन पार्टीशन के चलते वो सीट ईस्ट बंगाल यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में चली गई। उसके बाद दोबारा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस की सीट पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनकर आए, जो सीट एमआर जेकर जो उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी से मेंबर थे उनके इस्तीफा देने के बाद जो खाली हुई थी उस पर कांग्रेस की तरफ से उन्हें चुना गया।